आज हम सोक्रेटिस के जो कोट्स हैं उसकी डेप्थ में जाएंगे और उनकी थॉट प्रोसेस को समझेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, वो लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, कि ये जो आज का सेशन है ये थोड़ा सा डीप होने वाला है। तो अगर आपके अंदर ये पेशेंस है डीपली ये समझने का कि समझते कैसे हैं, तो ही ये वीडियो देखिए, वरना इस वीडियो को बंद कर दीजिए। तो सोक्रेटिस का जो पहला कोट है और सबसे फेमस कोट है, जिस पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एम्फसाइज किया अलग अलग तरीके से, वो है द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे समझदार इंसान वो है जो ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये वही आदमी बोल सकता है जिसने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया हो इस यूनिवर्स को और खुद को। अगर किसी ने बारीकी से ऑब्जर्व नहीं किया है तो वो क्या करेगा, या मासेस क्या करते हैं, कि कुछ बुक्स पढ़ी, उसको पढ़ करके अंदर कुछ फीड किया, या लोगों से सुना, या कुछ एक्सपीरियंस किया, उन सबको अपने अंदर फीड कर दिया और एक इल्यूजन हो जाती है उन लोगों को कि मुझे पता है कि मैं जानता हूं। बट वो कभी उस जानने को क्वेश्चन नहीं करते कि आप एक्चुअल में जानते हो या फिर आपको लग रहा है कि आप जानते हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या एक्चुअल में हम इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी जानते हैं? द ब्यूटी ऑफ दिस कोट इज कि इसको हजारों साल पहले कहा गया है। तब हमारे पास में ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि इस बात को वेरीफाई किया जा सके। एट दैट टाइम यू नीड ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ क्वेश्चनिंग माइंड टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज। आज तो बड़ा आसान है इसको समझाना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कोट में कहा जा रहा है, अगर इसको हमको समझना हो तो कैसे समझेंगे? जो भी नॉलेज है, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, वो चाहे इंटरनेट पे हो, चाहे किसी बुक में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे हमारी ब्रेन के अंदर फीडेड है, वो नॉलेज कहां से आती है? नॉलेज से पहले होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे होता है? एक्सपीरियंस हमको होता है हमारे 5 senses के थ्रू। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर नॉलेज क्रिएट होती है। विदाउट एक्सपीरियंस देयर कांट बी एनी नॉलेज। सो द ग्राउंड ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। अब एक बार एक्सपीरियंस को क्वेश्चन करते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज लिमिटेड, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वो एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी कि जो हमारे सेंसेस हैं, वो लिमिटेड है। हमारे सेंसेस कभी भी इस यूनिवर्स के किसी भी एस्पेक्ट की कंप्लीट पिक्चर नहीं देख सकते, बस एक लिमिट में देख सकते हैं, जो लिमिट है उस इंस्ट्रूमेंट की। आज हमारे पास में बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो अगर अभी यहां पर लगा दिए जाए तो अभी आंखों से मुझे कुछ दिख रहा है, यहां मान लो ये कैमरा दिख रहा है, बट अगर अभी यहीं पर कुछ ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए जाए तो ये कैमरा दिखना बंद हो जाएगा। और इसके बीच में, यानी मैं यहां पर जहां बैठा हूं और ये जो कैमरा है, इसके बीच में जहां पर अभी इन आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है, वहां पे कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इन दोनों में से सच क्या है? ये दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हैं तो ये कैमरा है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हैं तो ये कैमरा नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हैं यानी इन आंखों के थ्रू, तो इस कैमरे के बीच में और इसके बीच में कुछ भी नहीं है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कैमरा नहीं है। तो दोनों में से क्या सच है, क्या झूठ है? अगर इस फिनोमेना को और आपको बारीकी से और डीपली समझना है तो आप क्वांटम फिजिक्स को स्टडी कर सकते हो, कि जब एटम्स को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया जाता है, तो वही एटम्स जब उनको फायर करते हैं तो दे बिहेव लाइक पार्टिकल्स। लेकिन जब उस इंस्ट्रूमेंट को प्लेस नहीं किया जाता है, व्हेन देयर इज नो ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग दैट फिनोमेना, देन दोस सेम एटम्स बिहेव लाइक वेव्स। आज हमको ये पता है कि ऑल दिस मैटर, दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स, कि जो यूनिवर्स हमको पार्टिकल के जैसा लग रहा है, क्या ये पार्टिकल है या वेव है? जब हम क्वेश्चन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को जिसके थ्रू एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हमारे 5 senses हो या कोई मैन मेड इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज लिमिटेड। एन इंस्ट्रूमेंट कैन नेवर सी द होल ऑफ एनीथिंग। एक इंस्ट्रूमेंट सिर्फ रियलिटी के हमको छोटे से फ्रेगमेंट को दिखा सकता है, उसके छोटे से एस्पेक्ट को दिखा सकता है। अगर उसके बेस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि मुझे पता है कि ये क्या है, तो वो कंक्लूजन गलत है, हमें एक्चुअल में नहीं पता है। इसके लिए यू नीड रियल विजडम। मतलब जो बेवकूफ लोग होते हैं और एक्चुअल में समझदार होते हैं, उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? बेवकूफों को सब पता होता है। बेवकूफ लोग ये मानते हैं कि जो भी उनको पता है
वो सब सही है, और उनके अंदर ईगो होती है अपनी नॉलेज की, मैं जानता हूं। जो एक्चुअल में समझदार लोग होते हैं वो क्वेश्चन कर देते हैं उस नॉलेज को, और जैसे ही उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उनको समझ आता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस यूनिवर्स। जो भी हमारी नॉलेज है दैट इज नथिंग बट अ स्टैंड पॉइंट, दैट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक एंगल से आप देखते हो तो लगता है कि वो है, दूसरे एंगल से देखते हो तो वो नहीं है। इसको बोलते हैं रिलेटिव नॉलेज, इसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। क्या आंखों की वजह से ये यूनिवर्स जो दिख रहा है वो है, या इस यूनिवर्स की वजह से आंखें हैं? क्या आवाज की वजह से कान है या कानों की वजह से आवाज है? दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कान तो हो लेकिन अगर कोई आवाज ही ना हो तो कान का होना ना होना बराबर हो गया। आंखें तो हो लेकिन लाइट ना हो तो आंखों का खुला होना और बंद होना बराबर है। तो क्या लाइट की वजह से आंखों की एग्जिस्टेंस है या आंखों की वजह से लाइट की एग्जिस्टेंस है? इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमको समझ आता है इट इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट। और अगर एक लेवल और डीप में चलना है हमको, अभी तक जितनी हमने बात करी है अगर वो हमको समझ आ रही है और हमारे अंदर हिम्मत है और एक और लेवल डीप में जाने की, तो जितनी भी नॉलेज है जो भी हमारे अंदर फीडेड है उस सबका ग्राउंड क्या है, उस सबका सेंटर पॉइंट क्या है? मैं हूं तभी तो सब कुछ है। आई एम, दैट्स वाई एवरीथिंग इज। इस आई एम को क्वेश्चन करो, डू यू नो एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ? जब आप शीशे में देख रहे हो और जिसको बोल रहे हो कि ये मैं हूं, तो जो दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है? इसमें ढूंढो उस मैं को जिसको भी आप मैं बोलते हो। सब कुछ तो उधार का है, आपका है क्या? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसकी बनी है ना ये बॉडी, इसमें से आपका क्या है? आप क्या हो इसमें से? जो भी आपके ब्रेन के अंदर मेमोरी फीडेड है उस मेमोरी के बेस पे आप सोचते हो, जिसको थॉट्स बोलते हैं, थिंकिंग बोलते हैं, क्या वो मेमोरी आपकी है? जो भी नॉलेज आपके अंदर फीडेड है क्या वो आपकी है? सब उधार की है, सब बाहर से अंदर आई है। जब आप पैदा हुए थे, मां के पेट से निकले थे, अंदर कोई नॉलेज नहीं थी, अंदर कोई वर्ड्स नहीं थे, कोई लैंग्वेज नहीं थी। पहले आपने लैंग्वेज सीखी, फिर उस लैंग्वेज के थ्रू कुछ नॉलेज एक्वायर करी, उस नॉलेज को अंदर फीड कर लिया जिसको मेमोरी बोलते हैं। उस मेमोरी के बेस पे आप सोचते हो और सोच करके कहते हो कि ये मेरी थिंकिंग है, ये मैं हूं, मैं सोच रहा हूं। कौन सोच रहा है? ध्यान से जब आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो इस मैं में और इस यूनिवर्स में आपको कोई डिविजन नजर नहीं आएगा, कोई सेपरेशन नजर ही नहीं आएगा। You are the universe. तो क्या आप इस पूरे यूनिवर्स को जान सकते हो? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है कि इस यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को जान सके? Every instrument is limited. So you can never know the whole. You can never experience the whole. पूरे को आप experience नहीं कर सकते हो, तो पूरे को आप जान नहीं सकते हो। और आप पूरे हो, आप जिसको जान रहे हो वो अधूरी नॉलेज है, वो इनकम्प्लीट नॉलेज है, वो इनकरेक्ट नॉलेज है। तो आपकी सारी नॉलेज गलत है। उसका जो बेस है यानी कि आप, मैं ये हूं, वो ही बेस गलत है जब उसको आप क्वेश्चन करते हो। तो जो भी कुछ मैं जानता हूं खुद के बारे में या दूसरों के बारे में या इस यूनिवर्स के बारे में, वो सब गलत है। क्यों? क्योंकि मैं कैसे जानता हूं? तोड़ करके, जबकि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे हमें दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो जब मैं पूरे को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो पूरे को जान कैसे सकता हूं? और जब पूरे को जान नहीं सकता तो जो भी मैं जानता हूं वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। इनफैक्ट इसी के साथ में एक और इनका कोट जुड़ा हुआ है, वो है आई नो यू वोंट बिलीव मी, मुझे पता है आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, बट द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस इज टू क्वेश्चन वन सेल्फ एंड अदर्स। जिस तरीके से इन्होंने ये बोला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या कह रहे हैं। आई नो यू वोंट बिलीव मी, क्यों? ये मजाक उड़ा रहे हैं आपका, मासेस का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो बिलीव्स में ही जीते हैं, और जो भी वो बिलीव करते हैं उसको पकड़ करके बस बैठे रहते हैं। उससे अलग कुछ भी होता है तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उससे लड़ते हैं, उसको काटते हैं,
उसको नहीं मानते हैं। बस जो मानते हैं बचपन से जो उनको मनाया गया है जिस भी तरह के बैकग्राउंड से वो हैं, बस उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। और उस बिलीफ को अगर कोई क्वेश्चन करता है तो जो क्वेश्चन करता है उस पर अटैक कर देते हैं। तो पहले ही कह रहे हैं, मतलब इस कोटेशन की शुरुआत कहां से हो रही है, आई नो यू वोंट बिलीव मी। क्यों? क्योंकि आप लोग बिलीफ में ही जीते हो, बिलीफ में ही मरते हो, उसको क्वेश्चन करने का दम नहीं है। बहुत कम लोगों में होता है, और जिनमें यह दम होता है मासिस जो है वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मासिस बिलीफ में जीते हैं। इनफैक्ट सोक्रेटिस के साथ भी यही हुआ था, इन्होंने क्वेश्चन किया, किसको क्वेश्चन किया, वहां के जो बिलीफ्स थे उनको क्वेश्चन कर दिया, उनके देवी देवताओं को क्वेश्चन कर दिया, तो जो मासिस हैं वो उसके अगेंस्ट हो गए, तो एंड में उसको मार दिया गया। अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग बातें मान रखी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी अलग अलग बुक्स में क्या अलग अलग लिखा हुआ है, और वो उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं। इसीलिए वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, क्यों? क्योंकि बुक्स अलग अलग है, लिखा हुआ अलग अलग है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। मैं कुछ मानता हूं, तू कुछ और मानता है, तो मैं और तू की लड़ाई होनी ही होनी है। सारी लड़ाइयां इसी लेवल पे है, क्वेश्चनिंग के लेवल पे कोई लड़ाई नहीं है। क्वेश्चनिंग दो लोग मिलकर के भी कर सकते हैं, दो अलग अलग रिलीजन के लोग अगर इंटेलिजेंट है तो मिलकर के भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आओ बैठ करके क्वेश्चनिंग करते हैं कि इस बुक में क्या है, उस बुक में क्या है, निकालते हैं इसमें से। तो क्या कहा जा रहा है कि कुछ भी मानो मत, यहां पर भर करके मत बैठे रहो, जो भी यहां भरा हुआ है उसको क्वेश्चन करो, जो भी कहीं लिखा हुआ है उसको क्वेश्चन करो, जो भी कोई कह रहा है उसको क्वेश्चन करो, चाहे वो कोई भी हो। ध्यान से समझना, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस आदमी को क्वेश्चन कर रहे हो, वो जो बात कह रहा है उसको आप क्वेश्चन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कह रहा हूं तो उस बात को क्वेश्चन करो, क्योंकि दो बातें हो सकती है, एक कि जो मैं कह रहा हूं उसमें गलती हो सकती है, दूसरी हो सकता है जो मैं बात कह रहा हूं वो गलत नहीं है, वो बात सही है, लेकिन जो आपकी समझ है वो गलत है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आप समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में जो मैं कह रहा हूं वो सही भी है या नहीं है, बस पकड़ करके बैठे रहोगे। जरूरी नहीं है कि जो बुक्स में लिखा है, जो भी ये रिलीजियस बुक्स है, वो गलत है, हो सकता है आपकी समझ गलत हो, क्या सकता है आपकी समझ गलत है। नेक्स्ट कोट इज, द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। होता क्या है, हमारे माइंड में कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं जिसको हैबिट्स बोलते हैं, आदतें बोलते हैं, उसमें से कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमको पसंद नहीं है लेकिन हमारे अंदर होती हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि उन पैटर्न से लड़ो मत, क्योंकि जितना आप उससे लड़ोगे वो उतना ही और पक्के होते चले जाएंगे, वो पैटर्न्स और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अपनी एनर्जी लगा दो कुछ नए पैटर्न्स बनाने में, ब्रेन के अंदर कुछ नए पैटर्न्स बनाने में, कुछ नई आदतें डालने में। पुरानी सोच को बदलने की कोशिश मत करो, नई सोच बनाओ, अपना सारा फोकस डालो नए पे, जैसा भी आप फ्यूचर में चाहते हो कि आपके साथ में हो आपकी लाइफ में, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वहां पे अपनी सारी एनर्जी लगा दो। तो लिव योर लाइफ विद अ विजन, विजन ऑफ द फ्यूचर, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, तो आप एक बदलाव लेकर के आ सकते हो।